और छुप के क्लास से आके व्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरा दिल इस टाइम धक धक कर रहा है, कहीं वो मुझे उड़ा ही ना दे। बाहर गेट पे उतरो, लेट हो रहे हैं। अभी ना मेरी प्रेजेंटेशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए फाप, योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट। ओ नाइस, इतनी ज्यादा लेट हो गई हूँ। मिल्क शेक भी जो है वो यही खड़े होकर पीना पड़ा। मम्मा यार ये ग्लास बाहर से उठवा लेना, मेरी प्रेजेंटेशन है। हेलो गाइस, फातिमा और उसके चला क्यों के चैनल में आपका वेलकम है। तो आज मैं फिर से यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और मैं इतना लेट हो गई हूँ, इतना ज्यादा लेट हो गई हूँ जिसका मैं आपको बता सकती। मैं और राबिया दोनों लेट है। ये हम सोच रहे हैं पहले राबिया को छोड़े या मुझे छोड़े। मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन है और उसकी तो क्लास है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। नहीं चलो पहले उतारते जाते हैं, इसी को उतार देते हैं, पहले क्या याद करेंगे। छोड़ने हमें हीरा जा रही है। हीरा प्लीज मेहरबानी गाड़ी जल्दी चलाना, आज मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन है और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मिस हो जाएगी। प्लीज हीरा पहले ये राबिया को छोड़ना है, इस जिद मचा रही है कि पहले इसको छोड़ दो। और वैसे भी इसकी यूनिवर्सिटी पहले आती है तो पहले इसको उतारना था, जल्दी करो हीरा बस। 11:27 हो रही है और मैम बोल रही है अब उसको बोलो मत आए, वो मेरे लिए एब्सेंट है। मेरी फ्रेंड मुझे मैसेज करके बोल रही है। अब जा करके मैम को बोलूंगी, मैम बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, मैं तो ट्रैफिक में स्टक हो गई थी यार, रास्ता दे दो, हमने यूनिवर्सिटी जाना है, बहुत ट्रैफिक है, देख रही हूँ ना कितना ट्रैफिक है। अगर मैम आप मेरा व्लॉग देखें तो अंडरस्टैंड करें, बहुत ट्रैफिक है। बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक। मेरा दिल इस टाइम धक धक कर रहा है कि कहीं वो मुझे उड़ा ही ना दे, बस दुआ करना कि उड़ाए ना। क्या याद करोगी कि मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है। लेकिन बाबा तुम्हारी यूनिवर्सिटी दूर भी है। कितनी को दूर है? मेरी 15 मिनट दूर है, इसकी 10 मिनट दूर है। कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, एक ही बात है। बट तुम ये मेरी कुर्बानी याद रखोगी? धूप में सड़ाओ, और इसकी जो बाजू पहन के ना स्लीवलेस दिले आज। अच्छा दोस्त आए नहीं है अभी तक, उनको पूछ रही आना नहीं है अभी यूनिवर्सिटी। क्या यार 12:30 बजे छूट गई है इसकी, 12:30। राबिया तुम छुट्टियां पकड़ा दो, 12:30 वाली क्लास में तो इसने मुझे भी लेट करवाया है। किसने कहा था पहले छुट्टियां करो? इसको उतारो इधर, जल्दी निकलो घर से, गाड़ी से बाहर इसको। हाँ इसे गर्मी तपती धूप में निकालो इसको। मैं लेट हो रही हूँ, कोई मजाक है यार? मेरी प्रेजेंटेशन उसकी तो फिर क्लास है। इधर उधर से उतरो 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 यहाँ से, बाय कर। वो कह रही है ट्रैफिक रुक गया, मैंने कहा मैं व्लॉग ना बनाऊं और मेरे पास कार्ड। यार ये मेरी क्लास है और छुपके क्लास से आके व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैम को पता लग गया तो मेरी छुट्टी, प्रेजेंटेशन तो स्किप हो गया। मैम से बोलूंगी प्लीज किस तरह करके वो मेरे मार्क्स लगा दें। वाह क्या कहने हैं मेरे, बट कोई नहीं, मैं मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं अभी तक बनाया। अब क्या करूँगी, फौरन लिखूंगी और फौरन सबमिट कराऊंगी। फौरन काम करना था तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिख रही हूँ और कुछ मैं अपनी दोस्त से कह रही हूँ कि फौरन लिख दे। रिदा लिख रही है, अच्छा अच्छा लिखी यार, जल्दी जल्दी। मेरी एक दोस्त बाकी भी लिख रही है, उसने मुझे अपना डेटा दिया है कि मैम ने कुछ चेक नहीं किया हुआ, वो तुम चेक करवा देना। तो ये है आज की चलाकी कि उसका मैं चेक करवा दूंगी। शाबाश बेटा। और मैम को मेरी चलाकी जो है वो पता लग गई है, उन्होंने कहा बेटा आपके मार्क्स लगे। लोगों को पता है मैम ने मेरे फॉर्म चेक किया कर लेती थोड़ा सा। मैम ने कहा हॉस्पिटल आप एक दिन भी नहीं आई। हंस 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 हंस, ये मेहनत की नहीं मैंने, ये मेहनत जो मेरी 3 महीने की मेहनत है। सही है यार, देख कोई बात नहीं, मैंने भी की है, बस कर दे। ये देखो मेरी मेहनत। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी तो अब हम लोगों ने एक ग्लास जूस लिया। अभी मैं आपको अपनी एक क्लास की लड़की से मिलवाती हूँ, जिसने कारोबार शुरू किया है, बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाती है और कहती है कि मेरे साथ पिक्चर्स बनवाओ और फिर उनसे खाने खाती है। उसे कहती है मुझे आज ये खिलाओ, मुझे आज वो खिलाओ, और कहती है मैं बदले में फातिमा के साथ सेल्फी। व्हाइट फिल्टर होना चाहिए, हाँ चिट्टा फिल्टर होना चाहिए बस। अभी हमारी क्लास जो है वो 3 बजे, उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे फोटो शूट करवाने आए हैं। आज मैं एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन आंसर पूछूंगी अपने फ्रेंड्स के सर्कल से। योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट म्यूजिक। म्यूजिक मनी। योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट मनी एंड फ्रेंड्स। मनी एंड फ्रेंड्स। मनी एंड स्नेक्स। योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट वकार। हुज वकार? माय हस्बैंड। ओह। योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट
ऑब्वियसली मनी यार। यार हर किसी को पैसा ही क्यों चाहिए जिंदगी में? यार मेरे ख्याल से पैसे से सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यार दुनिया। योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट माई फ्रेंड्स। ओह नाइस, आई एम योर फ्रेंड। योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट माई पेरेंट्स। योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट माई स्कूटी। योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट माई फैमिली। बहुत ज्यादा हमने जो है वो ये शुगर मिला रचा लिया। अब क्लास का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, क्लास में चलो। क्लास लेने जाओ ब्रो, चलो निकलो यहाँ से। ये हमारी यूनिवर्सिटी में ना काम शाम भी होते रहते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में ना सुबह से लाइट नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाई, इन्होंने बिल नहीं भरा, क्या नहीं भरा, हमसे फीस पूरी ली है बट एसी नहीं चल रहा। फाइनली मैं क्लासरूम में आ गई, मेरा लेक्चर होना है। मैरू ये ना मेरा बैग छोटा है, तेरा बैग बड़ा है, उसमें डालने में तेरे से बाद में ले लूंगी, ठीक है? गुड मैरू। वहाँ क्लास चल रही है और यहाँ पे हमारा ब्लॉग बन रहा है। सर बस करें, 4 बज गए हैं, सबको कहो कि हमें छोड़ दें। पेजेस क्या निकाली है पिक्चर के लिए? इसको दोस्तों को मेरी पिक्चर लगी कि इसका पेपर बंद कर दो। अंकल अब आप लाइटें बंद करें। चलो भाई ये क्लासरूम है, इसको हम बाय बाय करें। लाइट्स बंद, टिक 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 टिक। अंकल हम दरवाजा बंद करके आपको जा रहे हैं। अंकल अंकल अंदर है फातिमा। दरवाजा बंद तो नहीं किया, खुल जाएगा वहां से। मैंने मार थोड़ी दी है अंकल, जस्ट अंदर है। इज अंकल चलो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, भूख लग गया मेरे पेट में। सो लेट्स गो समवेयर। अच्छा तुम बोलो तो मतलब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ मैं सुबह से लिक्विड ही कंज्यूम कर रही हूँ। ठीक है अंकल, ले लिया टिश्यू भी। मैंने वो भी किसी को पैसे देके मन कैसे। ये मेरा लंच है, इट्स माय स्लश, इट्स माय फूड। अच्छा तो गाइस मुझे फाइनली लेने आ गया आज यूनिवर्सिटी में, इतनी खवारी करवाने के बाद मेरी प्रेजेंटेशन भी नहीं हुई और मैं पता नहीं आई क्या लेने। और मैंने फॉर्म्स भी नहीं चेक करवाए, आई डोंट नो मैं यहाँ लेने के आई। जाहिर को देखो आगे मस्त होके जा रही है। ओह माय गॉड, यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। पकड़ो अपना लैपटॉप अरीबा। अच्छा मिनाहिल भी गाइस व्लॉग बनाती है। चलो जाओ मुझे लेने आ गए। फाइनली मैं गाड़ी में आके बैठ गई हूँ और मुझे ये एसी नसीब हुआ है। पूरी यूनिवर्सिटी में आया तो मैं पता है एसी नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी वालों ने बिल नहीं दिया, उनकी बिजली काट दी गई है और हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या जरूरत है पढ़ने की, छोड़ दो बस, पढ़ाइयाँ छोड़ना ही लगता है। चलो मैं तुमसे ही पूछ लेती हूँ, योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट। अबे जल्दी, विदाउट मॉम। विदाउट मॉम पहला मेरे जहन में पता क्या आया था? मोबाइल ब्रो, मोबाइल। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं रहा, थोड़ा फोकस कर। फिर रियल में जो लाइफ विदाउट है वो मम्मा के बगैर। यार मुझे ना इस तरह के ढाबों से कुछ खाना पीना है, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं यहाँ से कुछ लूँ और खाऊं। ले लेते हैं यार, गाड़ी नहीं रोकते बेसिकली, लेने में कोई मसला नहीं। कहता नहीं 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 आगे 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 आगे, गाड़ी 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 गाड़ी, लेट लेट लेट, उस चक्करों में ना काम ही तमाम हो। लोग भी मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि योर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट। ये लो हीरा अपना मोबाइल यहाँ रखो, घर जाने का टाइम आ गया। का दरवाजा पहले ही खुला हुआ है, कितनी कितनी अच्छी बात है ना ये। वाओ अच्छे बच्चों की तरह आज हम जूती को उसके टिकाने पे रखते हैं। नहीं रख देते हैं इधर ही, आज यहाँ से नहीं एंटर होते, किचन के दरवाजे से आज एंटर होते। हेलो, घर आ गया, किसी को परवाह ही नहीं है मैं घर आया हूँ या नहीं आया। गजब बेइज्जती है। एक काम कर, मैंने फटाफट ठंडा गिलास एक पानी से पिया दे, बड़ी गर्मी सी बार आज। चलो भाई मैंने नाइट सूट पकड़ लिया, अब ऊपर जा रही हूँ, जा करके चेंज करती हूँ और फिर
पहले मेकअप साफ कर लेते हैं, उसके बाद आराम से सो जाएंगे। चला कर आराम से पूरा कमरा ठंडा होता रहता है। मैं बस मुंह धो के आती हूँ, तब तक कमरा ठंडा होता रहेगा। इतनी देर में थोड़ा सा तो कमरा ठंडा हो ही गया है। टाइम देखे 6:30 बजे सोने लगी हूँ, तो बस अल्लाह ही बचाए मैं कितने बजे उठती हूँ। पता नहीं सुबह उठूंगा रात को उठ जाऊँ, कभी भी देखते हैं, फिर ही ब्लॉग एंड करो। सो फाइनली मेरी आंख खुल गई है यार। आपको पता है कि टाइम क्या हो रहा है? 10:15 रह गए। याद मैं जल्दी उठ गई हूँ, मेरी आंख खुल गई क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ खास नहीं कंज्यूम किया, तो खैर अब मैं नीचे जाती हूँ कुछ खाती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसके 1 मिलियन जल्दी जल्दी से फॉलोअर्स कर दो। क्योंकि यार यूनिवर्सिटी का व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यूनिवर्सिटी एक तो इतनी गर्मी में जाओ, ऊपर से व्लॉग करो, तो मुश्किल हो रहा था। बट कोई नहीं, सब काम करेंगे।